ट्वेल्थ के बाद एक बच्चे को अपना करियर चूज करना होता है। मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं ना तो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा। मेरा पैशन कहीं और है जो मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे तो वो सपना जीना है अपनी जिंदगी में। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, और ये बात जाके मैंने अपने फादर को बताई। जब मैंने अपने फादर को ये बात बताई तो कुछ टाइम के लिए मेरे फादर नहीं रहे, हमारी बहस हो गई, झगड़ा हो गया। क्या बोला उन्होंने कि भाई तू अभी 17 साल का है, 17 साल की उम्र में क्या बिजनेस करेगा बेटा, 17 साल के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ऐसे उन्होंने बोला। बट मैं कुछ अलग था, मैंने उन्हें बोला कि नहीं फादर, करना तो यही है कि मुझे कुछ अपना करना है। उन्होंने बोला क्या करेगा, मैंने बोला कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बट मेरे दिमाग ने बोला कि कुछ बड़ा करते हैं, और मैंने सोचा है कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा। उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे कोई जगह दिखाओ कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, और 2 दिन बाद उसने मुझे एक ऐसी ही जगह दिखाई। कभी कभी कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है। भैया इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या कुछ भी कहो, मुझे एक चला चलाया इंस्टीट्यूट मिल गया, जहाँ के जो ओनर थे उन्होंने किसी भी रीज़न से वो जगह छोड़ दी थी, और वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहा था, पूरा फर्नीचर वहाँ पे लगा हुआ था, रिसेप्शन बना हुआ था, डेस्क लगे हुए थे, और वहाँ पे जाके मैंने फादर को दिखाया कि पापा ऐसी ऐसी जगह, ही हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद करी वहाँ पे कि एक इंस्टीट्यूट चल तू शुरू कर ले। अब हुआ क्या कि 17 साल की उम्र में मुझसे पढ़ने कौन आएगा, मैंने ऑल दो मार्केटिंग करी, पैम्फलेट्स बंटवाए, और दूसरे दिन एक बच्चा आया और उसने आते एडमिशन ले लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस में एडमिशन ले लिया। तो एक बच्चे से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास 100 बच्चे हो गए। अब 17 साल की उम्र में मैं 100 बच्चों को पढ़ाता था, मुझे ये था कि कुछ और शुरू किया जाए, कुछ और शुरू किया जाए। वेल, ये क्यूरोसिटी हमेशा से थी कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। सो मैंने वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे आती थी, जो मैंने सीखी थी, उनसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कोर्स इन्वेंट किया, और मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी एडवाइस लेने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास गया। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बोला, भाई तेरा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग, और तू बोल रहा है कि तेरे को वर्कशॉप कभी कभी करने को मिलती है, रोज वर्कशॉप नहीं होती, तो क्यों ना तू मार्केटिंग के अंदर आ जा, और मार्केटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे तू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना, उन्हें ट्रेन कर, उन्हें रेगुलर मेंटोरशिप दे, वहाँ पे तेरी रेगुलर पब्लिक स्पीकिंग होगी, और जैसे जैसे तेरी टीम साइज बढ़ेगी वैसे वैसे तू लगातार अपना काम करता रहियो और रोज ट्रेनिंग देता रहियो। अब तू काम नहीं भी करेगा तब भी पैसे कमाएगा, क्योंकि अगर तेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करेंगे तो तुझे पैसे भी इनकम आएगी। और मुझे वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए। सो आई केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें मैंने अपना एक नया करियर शुरू किया। अब था क्या, मुझे अंदर से ऐसा था कि मैंने पहले बहुत काम किया हुआ है, तो यहां पे आती मैं कामयाब हो जाऊंगा, कि मैं एक नई फील्ड में गया और वहां की स्किल्स, वहां की टेक्निक्स जो वहां पे रिक्वायर्ड थी मुझे नहीं आती थी, एंड दैट वॉज द रीजन कि मैं फेल हो गया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूंगा। बट फिर मैंने सीखा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैंने दोबारा काम करना शुरू किया उस बिजनेस से जिसे मैं छोड़ रहा था, वहाँ से मेरी लाखों में इनकम शुरू हुई। अब वो लाखों में जब इनकम शुरू हुई, कुछ ही टाइम के अंदर मैं उस कंपनी के अंदर एक टॉप अर्नर बन गया। सी, जिंदगी में एक टाइम पे जब मैंने सोचा था कि एक फील्ड में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार मान चुका था कि ये नहीं होगा मुझसे, हो सकता है आज आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने हार मान ली कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। उस टाइम पे जैसे मेरे कोच ने मुझे बोला, अपने आप से पूछो कहीं तुम वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन तो लैक नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुम कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरी चीज, जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, कभी हार नहीं माननी। लगेगा कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता, बट हार नहीं माननी, दोबारा खड़े होना है और करके दिखाना है।